उज्जैन पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा स्थल पर भारी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से कथा सुनने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जैसे बड़नगर रोड पर फिर से सिंहस्थ भरा गया हो। वही अन्य कई समाज सेवी संस्थाएं निःशुल्क पोहे एवं चाय का भी वितरण कर रहे हैं। वही स्वास्थ्य विभाग भी अपनी सेवाएं दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग काफी संख्या में पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, हाथों दर्द के मरीज आ रहे हैं। वही स्वास्थ्य विभाग मरीजों को निशुल्क गोली दवा वितरण कर रहा है, पर श्रद्धालु की एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम भले ही कथा स्थल पर बाउंसर बदतमीजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, श्रद्धालु किसी तरह का कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, करे भी तो किससे, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। उज्जैन से डीएस चौहान की विशेष रिपोर्ट। अगर भाई चंदा नहीं कर रहा है, कितने लोग रोज नाश्ता और चाय कर रहे हैं? 30,000 आदमी रोज नाश्ता, 30,000 से 40,000 आदमी रोज नाश्ता कर रहा है। सुबह शाम चाय और शीतल जल। दोनों टाइम व्यवस्था चल रही है, सुबह 7 बजे से 12:30 बजे, 7 से 12 बजे तक, तो शाम को 4 से 8 बजे तक। एक एक बोलो। दिन भर में 10-12 क्विंटल के करीब पोहा निकाल देते हैं और 1.5 क्विंटल के करीब दूध की चाय वो निःशुल्क प्रदान की जा रही है। छोटी मोटी ये जो धूल उड़ रही है, ये हो रहा है, इससे भी फर्क तो पड़ता होगा? हाँ, बहुत ज़्यादा फर्क। मास्क वगैरह भी दे रहे हैं आपके निःशुल्क? नहीं, मास्क नहीं, मास्क तो स्टाफ के लिए ही है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद।